होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में राप्ती आरती होगी, जिसके लिए राप्ती तट का सुंदरीकरण हो चुका है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए राप्ती तट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 फरवरी को लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दीपोत्सव का आयोजन होगा। गौरतलब है कि राप्ती नदी के किनारे कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने राजघाट में 18.69 करोड़ की धनराशि खर्च कर राजघाट का सुंदरीकरण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस घाट का विस्तार किया गया है, जिस पर 15.9 करोड़ रुपए और खर्च किए गए हैं। अब इस राजघाट को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा दूसरे तट पर स्थित राम घाट का सुंदरीकरण 4.98 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ निर्माण कार्य तकरीबन अंतिम दौर में है। राजस्थान के लाल पत्थरों से राजस्थानी शैली के स्थापत्य कला से इसका सौंदर्य ऐसा निखरा है कि दूर से ही लोग इस स्थल की ओर आकर्षित होकर चले आते हैं। इसके अलावा राप्ती नदी के राजघाट पर प्रदूषण सहित अंत्येष्टि स्थल का लोकार्पण मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों संपन्न होगा। करीब 12 करोड़ की लागत से तैयार अंत्येष्टि स्थल में 13 शव का अंतिम संस्कार हो सकेगा। राजघाट पर पहले से ही करीब 10.50 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राप्ती तट के दोनों किनारों पर नए सिरे से भव्यता लिए निर्मित किए गए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट एवं श्रीराम घाट का 16 फरवरी मंगलवार को लोकार्पण करेंगे। इस दौरान भजन संध्या के बीच राप्ती तट पर दीपोत्सव एवं राप्ती आरती का कार्यक्रम भी होगा। फिलहाल राप्ती तट पर बने राम घाट और गुरु गोरक्षनाथ की सुंदरता देखने लायक है और लोग अनायास ही उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिकों, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं बने हुए राम घाट का है। यहाँ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घाट का लोकार्पण करेंगे, लेकिन आज ही देख लीजिए यहाँ मेले जैसा दृश्य है और एक पूरे पर्यटन के रूप में ये विकसित हो गया है। और यहाँ देखिए राजघाट है, राजघाट के तट पे ये नौ निर्मित घाट बनाया गया है और घाट पे लाइटिंग की गई है, यहाँ पे लोकार्पण करेंगे इसका। और ये नए पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। वैसे गोरखपुर में नौकायन को देखा जाए, राम बड़ताल को देखा जाए, तो उसके बाद अगर कोई स्थल आता है पर्यटन के दृष्टि में जिससे यहाँ लोग अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं और
और यहाँ पे लाइट से पूरा सजाया गया है। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पे और इसका भव्य लोकार्पण करेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह इसको सजाया गया है, पत्थर से बना हुआ है। इस घाट को इसको भव्य रूप दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और काफ़ी ये योगी के राज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत योगी जी कर रहे हैं, योगी अच्छा जी कर रहे हैं। बाबूराम मौर्य अच्छा लग रहा है। परम पूज्य योगीनाथ महाराज जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ किया हुआ है और घूमने उमने के लिए हर एक बढ़िया व्यवस्था हो गया यहाँ पर और हमेशा के लिए हो गया है। बहुत सुंदर काम किए हैं योगी जी ने। सागर कुमार अच्छा लग रहा है कि इतने व्यवस्था की गई है और इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, जिस हिसाब से हमें देखने में लग रहा है कि और चीज़ें यहाँ शुरू से आनी चाहिए धीरे धीरे, और जिस हिसाब से फूल भी देख रहे हैं कि काफ़ी सजावट अच्छी है। तो अब कल का इंतजार रहेगा योगी जी का कि उनको देखा जाए लाइव, हम लोग आँख के सामने देखा जाए। कल एक रमणीक स्थल ये गोरखपुर का इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह उपेक्षित जगह और जहाँ तक श्मशान घाट वगैरह ज़्यादातर उपेक्षित ही रहता है, लेकिन एक यह घाट राप्ती नदी के तट पे एक राम घाट और गुरु गोरखनाथ जी का घाट के रूप में विकसित करके एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है और भव्य नज़ारा भव्य आप देख सकते हैं। कल महाराज जी आके इसका लोकार्पण करेंगे। क्या लगता है पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित होगा? अवश्य, क्योंकि जल नदी इसका संरक्षण करना है और जल के संरक्षण के साथ में जल के महत्व को भी समझना है, और यहाँ पे एक पर्यटन स्थल के रूप में देख लीजिए कि कितने लोग यहाँ पे केवल टहलने घूमने आए हैं। तो लोग पास जगह नहीं थी, एक तो रामगढ़ ताल उधर शहर के बीच में था, लेकिन इस पुराने गोरखपुर में ये जगह बहुत ही लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सीखने का भी जगह है ये मिलेगा। ये हम सब के लिए और महानगर गोरखपुर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं नवनिर्मित घाट जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, और ये घाट आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के लिए एक ये समझ लीजिए कि इतिहास रचने के बराबर है। इतना बढ़िया घाट और इतना रमणीय स्थल ये दिख रहा है कि इसमें इतनी भीड़ लग रही है, और साथ ही साथ जनसुविधाओं के लिए बगल में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हुआ है। जब राप्ती नदी का पानी बढ़ता था तो यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी, उसका लेवल ये रखा गया है कि राप्ती नदी का पानी बढ़ भी जाए तो वहाँ पर अंत्येष्टि स्थल किया जा सकता है। उसका भी कल लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा होने जा रहा है। एक खास बात ये मैं बताना चाहूँगा कि इस अंत्येष्टि स्थल पर गैसीफायर की व्यवस्था है, जिसे आप पारंपरिक रूप से लकड़ी से शौदाह करते हैं, तो उसमें शौदाह में लकड़ी 1/3 भाग लगेगी या उससे भी कम लगेगी, और दूसरा LPG सिलेंडर से भी शौदाह की व्यवस्था है, जिसमें बहुत ही जल्दी शौदाह और अंतिम क्रिया की जा सकती है। तो ये आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा एक घाट जन सुविधाओं के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। एक यहाँ पर इस पार घाट है, उस पार भी आप देख सकते हैं ऐसा ही घाट निर्मित है उस पार भी। तो आप यदि शाम को यहाँ पर आकर कुछ समय गुजारें तो आपको लगेगा कि ये कितना आम जनमानस के लिए कितनी सुविधा की
वस्तु है, कितनी सुविधा की एक स्थान क्रिएट किया गया है। सर पर्यटन के रूप में भी विकसित करना? हाँ बिल्कुल, पर्यटन के लिए भी आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी भीड़ आ रही है वो अपने आप खींची चली आ रही है, तो आप इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इसको उद्घाटन होने के बाद, लोकार्पण होने के बाद खुद ही शहर के लोग आएंगे और बाहर के लोग भी आएंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।